हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नया वीडियो में एक नया मशीन रिपेयरिंग करेंगे जो कि एक वुड कटिंग मशीन है। फासिंग होता है यहाँ पे, तो इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा मशीन को। तो चालू करते हैं इसका ओपन करना, पूरा फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चालू करते हैं। पहले इसका कार्बन निकालना है। ये आपका कार्बन, मैंने कार्बन निकाल दिया। यहाँ पे साइड करके रखते हैं इसको। तो इसका आर्मेचर निकालने के लिए हमको इसको चार स्क्रू निकालना पड़ेगा, जो कि ये चार स्क्रू है। WD-40 हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। बोल्ट थे वो मैंने निकाल दिया, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालता है वो। ये देखिए, ये आसानी से निकल गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्क्रू ड्राइवर प्रेस करके इसको निकालना पड़ता है। ये देखिए, ये अलग हो गया। इसके अंदर ये देखिए, ये इसका फील्ड कॉइल है और ये इसका आर्मेचर, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो फिलहाल इसका जो प्रॉब्लम है, मशीन का, तो ये आर्मेचर का प्रॉब्लम है। ये वीडियो में मैं आपको आर्मेचर रिप्लेस कैसा करते हैं तो ये मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा रहता है अंदर, ठीक है। ये इसका बेरिंग लगा हुआ है एक, और ये पीछे एक है। जो ये बेरिंग का साइज है ये 6200 है, और ये ऊपर वाला जो बेरिंग है ये 6201 है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये वाला पुलर चाहिए, जो कि ये बेरिंग निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम मैंने एक बेरिंग निकाल दिया, ऊपर वाला बेरिंग और ये नीचे वाला।
ये देखिए इसको, ये देखिए ऐसा सीधा डालना है पूरा, और ये ऐसा बैठना चाहिए। बाद में से घुमा के देखिए, हाथ से घूमना चाहिए सर। बस हो गया हमारा फिटिंग, और अभी इसको, इसका जो स्क्रू है ये लगा देंगे। ये क्रॉस में लगाइए पहले दोनों, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ डरने का जरूरत नहीं है। आसानी से आप खोल के आर्मेचर का बेयरिंग अच्छे तरह से आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। 15-16 का आर्मेचर लगता है इसमें। इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। ये हो गया रेडी। तो इसका क्या करेंगे, हम कार्बन लगाएंगे। ये जो कार्बन है आपको डालना है सीधा, और इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है। देखिए अच्छे से बैठ गया। दूसरा लगा लेना है कार्बन। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर इसके ऊपर और कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका सब कुछ मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। इसका जो गियर रहता है, कैनियम रहता है, उसको कैसे चेंज करना है, ये पुली कैसे चेंज करना है, अगर बॉडी टूट जाए तो वो कैसे चेंज करना है, ये पार्ट कैसे चेंज करना है, फ्यूल कॉइल कैसे चेंज करना है, स्विच कैसा चेंज करना है, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा अगला वीडियो सब आएगा इसके ऊपर, हर एक चीज़ का इसका वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा मेरे चैनल के ऊपर। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत ही अच्छा अच्छा ये सीखने वाला वीडियो आपको देखने मिलेगा मेरे चैनल पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।